दोस्तों एक अनदर ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और इस बार हम लोग एक्सप्लोर करेंगे गढ़वाल साइड उत्तराखंड। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और अभी हो रहे हैं टाइम 4:17। फिर यहाँ से चलेंगे ऋषिकेश, वो हमारा आज का फर्स्ट हाल्ट होगा और उसके बाद फिर चलेंगे टिहरी, और टिहरी शायद हम आज हाल्ट करेंगे और हरसिल कल जाएंगे। तो इस ब्लॉग में हम लोग हरसिल जाएंगे, हरसिल में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, फिर वहाँ से हम निकलेंगे चोपटा के लिए। हरसिल चोपटा और ये सारी चीज़ें कवर करते हुए फिर वापस बैक टू होम। तो ये हमारा इनिशियल प्लान है और सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग मेरठ एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं और अभी टाइम 4:40 होने जा रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ही थिन है इस एक्सप्रेसवे पे, तो होपफुली मेरठ तक की जर्नी अच्छी होनी चाहिए। और सामने बोर्ड लगा है मेरठ हरिद्वार स्ट्रेट सोनीपत लेफ्ट। तो मेरठ एक्सप्रेसवे डन, अब यहाँ पे टोल पे करते हैं, देखते हैं कि टोल है कितना है। शायद यहाँ पे 155 टोल है, तो टोल पे करते हैं। अभी 5:40 हो गए हैं और ये हल्का हल्का दिन निकलने लगा है। आजकल तो 6 बजे के थोड़ा सा बाद सूरज निकल जाता है, तो सूरज निकलने में अभी भी 25 मिनट्स है, बट अभी डे क्लियर हो गया है। और हम लोग हरिद्वार से मे बी अराउंड कितना 100-120 किलोमीटर होंगे। अभी तक पीछे जो बोर्ड आया था उस पर तो 126 या समथिंग लिखा था, उसके बाद से कुछ बोर्ड आया नहीं। हरिद्वार जाते हुए हमने यहाँ पे एक ब्रेक लिया है, गुजरात रेस्टोरेंट करके है, यहाँ पे एक बायो ब्रेक के लिए रुके थे और इसमें तो अब डे ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे मैं सोचा तो चाय पीने के लिए, बट इस गुजरात रेस्टोरेंट की कंडीशन देख के लगता नहीं कि यहाँ पर ट्राई करना सेफ है। और हरिद्वार लेस देन 100 है, तो चलते हैं। तो ये अभी रुड़की से 30 किलोमीटर है यहाँ से, तो उसके बाद फिर हरिद्वार देन ऋषिकेश। पीछे कसमर जहाँ पे बोर्ड आया था वहाँ पे ऋषिकेश 97 किलोमीटर दिखला रहा था। रोड अच्छी है, काफ़ी अच्छी बन गई है। तो क्या ब्यूटीफुल डे निकला है आज। हरिद्वार अभी भी अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर है और अभी रोड बिल्कुल ही एम्प्टी है। अब आगे लेफ्ट में पतंजलि आएगा, पतंजलि योग बाबा रामदेव का 0.5 किलोमीटर लिखा था। तो अभी जब उसका गेट आते हैं, सामने बोर्ड भी लगा हुआ है ना पतंजलि योग पीठ और हरिद्वार स्ट्रेट, तो हमें बस हमें तो आजकल यहाँ पे राम कथा का लगा है, मुरारी बापू का भी साथ में, मुरारी बापू प्लस रामदेव जी दोनों लोगों की फोटो लगी है। ये पतंजलि योग पीठ रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट में है, राइट में काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, काफ़ी बड़ा। एक तो ये जगह जगह लोग पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट कुछ देवभूमि करके लेफ्ट में भी लिख के आ रहा है और यहाँ भी कुछ आ रहा है, तो देख के लग रहा है ये भी कुछ रिलेटेड टू पतंजलि ही है। ये भी पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल, तो ये पतंजलि के रहा पीछे, पतंजलि पीछे पास हुआ एक किंगफिशर बैठा है वहाँ पे पावर लाइंस पे। और इसके बाद अब हरिद्वार भी आने वाला है। इधर सामने लेफ्ट साइड में हिल्स दिखना स्टार्ट होगी। अभी थोड़ा हेज है इसलिए इतना क्लियर नहीं है, अर्ली मॉर्निंग है, 7:13 हो गए हैं, 7:15 ही मान लो। ये क्या लिखा है, रेलवे स्टेशन लेफ्ट, बस स्टैंड भी लेफ्ट और ऋषिकेश 26 किलोमीटर, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट 43, देहरादून 54। पहले यहाँ पे इस वाली रोड पे बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती थी और बहुत जाम लगता था। एक बार मैं इस पर 4-5 घंटे यहाँ पे कुछ मेला वाला था
हरिद्वार में, तो यहाँ पे एक ही जगह पे हम लोग इसी मतलब ये जो पीछे आया था ना, इसको क्रॉस करने में 4-5 घंटे लगे थे। और गूगल मैप उस दिन चारों तरफ से दिखला रहा था, जो भी गली दिखती थी उधर ही इसे रोड दिखती थी, तो ये चारों तरफ हम लोग घूमे, फिर वापस थक के आके इसी में खड़े हुए लाइन में। और 4-5 घंटे बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे मेला थिन हुआ लोगों को, तो उसमें गाड़ियां निकली, फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकले। यहाँ ब्यूटीफुल स्ट्रेच है यहाँ पे, अभी पीछे तो एक सेक्शन था जिसमें सारे पेड़ों पे बिल्कुल ग्रीन न्यू लीव्स आए थे, तो बिल्कुल एकदम ग्रीन लग रहा था, जैसा फोटो में कलर करेक्ट करके थोड़ा सा जब ज़्यादा रिच कर देते हैं वैसे वैसे फील आ रहा था नेचुरल, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना ये ऊपर ऐसे। तो हिल्स स्टार्ट हो गई हैं, हम लोग ऋषिकेश क्रॉस कर गए, और पीछे मैंने रिलायंस का एक पेट्रोल पम्प दिखा था, तो वहाँ मैंने टैंक भी फुल करा दिया। तो नेक्स्ट 800 किलोमीटर्स 900 किलोमीटर्स के लिए मैं बिल्कुल सेफ हूँ, तो मुझे हार्डली कहीं ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा देखते हैं मैं आपको, क्योंकि यहाँ से न्यू टिहरी, उत्तरकाशी, ये सब लेफ्ट, गंगोत्री लेफ्ट एंड देवप्रयाग राइट, यहाँ से तो हमें लेफ्ट लेके जाना है, और अगर चोपटा जाना होता तो यहाँ से हमें राइट हो जाना होता देवप्रयाग के लिए। तो ये हम लोगों ने न्यू टिहरी वाली रोड ले रखी है ऋषिकेश से, रोड तो सुपर बनी है, अल्टीमेट प्रॉपर 2 लेन है, प्लस यहाँ पर देखो चारों तरफ जंगल, मस्त मज़ा आ रहा है इस पर। ऐसी रोड तो मैं ढूंढता हूँ पहाड़ों में ड्राइव के लिए। मेरे आगे एक जरा मैं ओवरटेक कर लूँ, उसके बाद फिर बातें करते हैं। वो मैन पहाड़ काट रखा है चारों तरफ से, बट रोड तो अल्टीमेट बना रखी है, मज़ा आ गया। टाइमली पहुंच गए तो हरसिल तक भी जा सकते हैं, नहीं तो प्लान यही है कि न्यू टिहरी में हाल्ट करेंगे। और यहाँ पे देखो नमामि गंगे, और ये जो बोर्ड साइड में जो ये स्टोन्स लगाते हैं ना, इस पर अगर पेंटिंग कर लेते तो और भी ब्यूटीफुल लगता। बीच रास्ते में नरेंद्र नगर के आसपास हाल्ट लिया हूँ मैं, और यहाँ पे एक छोटी सी शॉप दिखी ये, तो हमने सोचा कि चलो पराठे खाते हैं, तो इन्होंने बोला कि पराठे बना देंगे, तो हमने पराठे का ऑर्डर दिया है और 2 चाय का ऑर्डर दिया है। और यहाँ पे पीछे आप देख रहे होगे ये वाली रोड तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ब्यूटीफुल रोड बनाई है, और ये बोल रहे हैं कि उत्तरकाशी तक ऐसी मिलेगी, उसके बाद फिर हरसिल तक को सिंगल हो जाएगी, तो उत्तरकाशी तक भी ओके है, वहाँ तक तो इन्जॉय कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे चारों तरफ जब से मैं खड़ा हूँ ना, इतनी बर्ड्स बोल रही हैं ना चारों तरफ, पता नहीं यहाँ पे माइक कैच कर रहा है कि नहीं बर्ड्स का साउंड, तो चारों तरफ से बर्ड ही बर्ड है। मेरा तो मन कर रहा है कि यहीं पे कहीं रहने की जगह होती तो यहीं पर रुको और 1-2 दिन बर्डिंग करो। और एक ग्रेट बारबेट की आवाज़ आ रही होगी पीछे, इस सामने शायद हिमालयन बुलबुल की भी आवाज़ आ रही है। इस रोड पर लोग इंजॉय कर रहे हैं, दे आर जस्ट पुशिंग देयर कार टू द लिमिट्स, और रोड है भी अच्छी। ब्रेकफास्ट में लिया है आलू पराठे, और ये क्या है सबसे, ये तो कर्ड है, और ये दाल टाइप का सब्जी है, और इधर कोई चटनी टाइप का दिख रहा है, और इधर ढेर सारे पिकल्स हैं। और इस पे जो ड्राइव करके जो मज़ा आ रहा है ना, वाओ, ऐसी रोड होनी चाहिए। ये मनाली वाली जब वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, वो भी जब कंप्लीट हो जाएगा तो समथिंग ऐसी हो जाएगा, बट वो बहुत ही टाइम से कंस्ट्रक्शन चल रहा है और प्रोग्रेस बहुत ही स्लो है। उसमें 2-3 टनल्स हैं इसलिए थोड़ा सा प्रोग्रेस स्लो है वुड पेकर। तो अभी हम लोगों ने नरेंद्र नगर न्यू टिहरी जो नया टाउन है उसको क्रॉस किया है, और ये यहाँ पे देख सकते हो हमारे राइट में कैसे पहाड़ काटा गया है, कैसे पहाड़ काटे गए, और इधर बर्ड्स तो क्या अमेजिंग। अभी मैंने पीछे को एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर देखा हो, जो छोटी सी बर्ड होती है जिसकी लंबी सी पूंछ होती है वाइट कलर की वो, और यहाँ पे बर्ड्स बहुत ही हैं चारों तरफ दिख रही हैं, लेकिन मैंने सोचा कि रुक के, बट
प्रॉब्लम क्या है कि कैमरा नीचे पीछे बूट में पड़ा है, निकाल के उसको सेटअप करना, तब तक तो बर्ड पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाएगी। चंबा पहुँच गया है, सामने ये ऊपर घर देखो यार, कितने सारे एक के बाद चिपके हुए घर हैं, और एक चंबा टनल आ गई। और ये चंबा सिटी, चंबा एक वैसे हिमाचल में भी है चंबा, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। डलहौजी साइड से जो आते हैं ना, चंबा डलहौजी भरमौर ये वाला एरिया, ये उत्तरकाशी सीधे न्यू टेहरी एंड चंबा लेफ्ट लेफ्ट। तो हमें तो जाना है हरसिल, तो हरसिल के लिए हम लोग चलते हैं इस वाली रोड पे, जमुनोत्री धरासू। तो गूगल मैप के अनुसार हम हरसिल 330 तक पहुंच जाएंगे। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा रोड पे जो इन्होंने पहाड़ काट रखे हैं ना, उसका मलबा हटा रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, तो ये नीचे ट्रक है, इस पर रोड का मलबा उठा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं, एक बार रोड क्लियर हो जाएगा फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये पिछले करीबन 10 किलोमीटर से यहाँ पे भी रोड कंस्ट्रक्शन वाइडनिंग वर्क चल रहा है, तो ये वाला सेक्शन थोड़ा बैड है, नीचे काट के तो वाइड कर दिया गया है, बट अभी इस पर डामर या तारकोल कुछ भी नहीं है, बस नीचे से, और ये पुरानी रोड जो रही होगी उसका सरफेस है कहीं। अभी शायद पहाड़ों में इन्होंने जनरली इस टाइम पे आग लगाते हैं, तो इसमें पूरा धुआं धुआं भरा पड़ा है, तो सामने दिख रहा होगा, बहुत ही हेजी है, क्लियर नहीं है। और ये हमेशा मार्च अप्रैल टाइम पे हमेशा दिक्कत होती है इधर, तो चाहे आप कुमाऊँ जाओ या गढ़वाल जाओ, ये हमेशा दिक्कत होती है इधर। तो अभी जो मेन रोड है उत्तरकाशी हरसिल की, जो हम लोग ऊपर जा रहे थे, वो आगे कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण NH-34 जो है वो बंद कर दिया है। तो यहाँ लोकल्स ने मुझे एक को ये दूसरे रूट से डाइवर्ट किया है, ये कि थोड़ी दूर एक को रोड आती है और पीछे एक झूला वाला ब्रिज आता है, और ये रिवर है इस रिवर के ऊपर, तो ये बहुत ही नैरो रोड है और कंडीशन इसकी बड़ी ख़राब है, बट स्टिल कोई ऑप्शन नहीं है तो इसी पे जाना पड़ेगा। अब इसी पे हम लोग, ये झूला ब्रिज है जिसको हम लोगों ने क्रॉस किया है, बहुत ही नैरो है और हार्डली एक कार फिट होती है। और जो मेन रोड है, जो NH है नेशनल हाईवे जो कनेक्ट करती है, वो बंद है, तो यहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ, इस पर गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही हैं। तो ब्रिज पे आके हम लोग, मैंने गाड़ी लगा के काफ़ी देर वेट किया, फिर एक साइड से एक पिकअप ट्रक गया, तो उससे मैंने पूछा, तो उसने बोला कि आप इससे जा सकते हो, और दूसरी साइड से फिर लेफ्ट लेके ऊपर जाके फिर कहीं पे लेफ्ट या राइट लेना है, उसके बाद हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे हरसिल वाली रोड पे। तो अब कुछ नया एडवेंचर करते हैं, चलते हैं इस रोड पे। नीचे वो टेरेस वाले फॉर्म्स हैं, सीढ़ीदार खेत जिसको बोलते हैं, और छोटे छोटे घर, और इसमें जो शायद गेहूं नहीं, जो पक्के एकदम गोल्डन कलर का हो गया है, उससे भी ऊपर से बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो वापस हम लोग NH-34 में फिर में वापस मिल गए। ये रिवर के दूसरी साइड वो जो दिख रहा है ना पहाड़ी, उस पहाड़ी के अलांग हम लोग आए हैं, और पीछे एक ब्रिज था उसको क्रॉस करके फिर हम पहाड़ी के इस साइड में आ गए हैं, बीच में रिवर है। तो अब यहाँ से उत्तरकाशी अभी 35 किलोमीटर के राउंड है, और उसके बाद फिर हरसिल। तो ख़राब रोड जो थी गांव वाली तो अच्छी थी, बट पीछे जो NH-34 ये जो उत्तरकाशी जमुनोत्री को रोड जोड़ती है, वो तो बीच में बंद थी, कहीं पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, तो उसको अवॉइड करने के लिए, अवॉइड क्या मतलब, उसका अल्टरनेटिव जो रोड पकड़ के आए थे फिर इसमें मिल गई। तो पीछे एक टाउन से कुछ देर तो 4-5 किलोमीटर ख़राब था, और उसके बाद से फिर ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ, और ये रिलेटिवली काफ़ी अच्छी रोड है। अच्छा,
और ये वाली रोड अच्छा काम हुआ है, इस पर थोड़ा बहुत अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। तो यहाँ पे आप चारों तरफ सीनरी देखो, मेरे लेफ्ट में भागीरथी रिवर जा रही है शायद, राइट में है, लेफ्ट में तो माउंटेन है। आई एम इन द रॉन्ग गियर। और कहीं पर डूंडा करे कोई जगह है, यहाँ पे है, और यहाँ से पीछे रिवर आ रही है। यहाँ पे एक छोटा सा शॉप दिखी जो कुछ खाने को मिला, और पीछे आगे टाउन है, तो मुझे लगता है आगे जाने पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। बट हम लोग इतनी भूख लगी थी कि जो पहला दिखा हम वहीं पर रुक गए। तो यहाँ पे दाल रोटी और आलू की सब्जी बोली है, और पीछे से जस्ट उसके पीछे से रिवर निकल रही है, और ये पीछे पहाड़ियाँ, एक ब्यूटीफुल लोकेशन है ये। बट ये कि धूप बहुत ही तेज है। तो यहाँ पे एक छोटी सी शॉप पे हम लोगों ने लंच किया, आलू की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी, दाल रोटी, और कुछ भी अच्छा नहीं था। बट फिर भी भूख लगी थी तो दो दो रोटी खाए। और मुझे लगता है यहाँ इधर टाउन है ना, इधर कहीं सर्च मारना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा ढंग का मिलता। हम लोगों ने इंटर करते ही जो पहला दिखा वहीं पर रुक गए, क्योंकि बहुत ही भूख लगी थी और हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो ये नीचे उत्तरकाशी टाउन है, और इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उत्तरकाशी क्रॉस करके हम लोग गंगोत्री वाले रोड पे आ गए हैं, जो हरसिल भी जाता है, हरसिल होके ही जाता है। और हमारे ये राइट साइड में भागीरथी रिवर फेमस। तो ये उत्तरकाशी का ही एक्सटेंशन है। तो अभी थोड़ा सा देख रहा हूँ बाहर काफ़ी सारे घर और थोड़ा क्राउडेड एरिया है। बतेपुर इसे क्रॉस करके जब थोड़े से ओपन में आएंगे तो वो मस्त लगेगा, ब्यूटीफुल होगा। तो ये भागीरथी घाटी है, सामने भागीरथी रिवर है जो ऊपर से आ रही है नीचे। और भागीरथी रिवर का वो जो वाटर है थोड़ा ग्रीनिश है। गंगनानी 13 किलोमीटर है यहाँ से भी। तो यही रोड है, उधर तो बंद था शायद, वो एक नीचे भी जा रहा है। हर्षिल ले जाएगा ना। इधर साइनेज नहीं है, कहीं कहीं पे काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो अब हम लोग गंगनानी के पास हैं, सामने से एक थार आ रही है, UP-80 आ रहा है। बहुत ब्यूटीफुल है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के ट्रीज, और साइड में भागीरथी जा रही है। ये भागीरथी घाटी ही है, और सामने पहाड़ों पे कुछ तो धुआं उठ रहा है, शायद कोई घर है या कहीं पे आग लगी हो जंगल में, जो भी हो। बट ये वाला सेक्शन में जब से हम लोग इधर इंटर किए हैं, इधर रोड भी वाइड हो गई है, पीछे तो ऐसा नैरो थी, सिंगल लेन था, बट यहाँ पे आराम से दो गाड़ी फिट होने के लिए जगह है, और आप मतलब एक कंसिडरेबली स्पीड कैरी कर सकते हो। वन वे टू हर्षिल, यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप लिया है, कोई एक शॉप है यहाँ पे, और तो हमने सोचा चलो चाय पीते हैं। बट चाय तो बहाना था, मेन रीज़न था यहाँ पे भागीरथी रिवर को देखना। ये देखो क्या ब्यूटीफुल है ना, पहाड़ों से निकल के आते हुए। मेरा तो मन कर रहा है इसी बार चलते हैं और भुजवासा से आगे गौमुख तक का ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पे रिवर क्रॉस करके दूसरी ओर निकलती है, और इस जगह इस समय हम लोग बाहर आए, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, बट बहुत ही नाइस लुकिंग प्लेस है। इसको मैं थोड़ा जूम कर। तो अभी हम लोगों ने कहीं पे तो स्टॉप लिया है, इस जगह को देख के आपको पता चलता होगा कि इसका नाम वाम ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे जो रॉक्स है ना, माउंटेन रॉक्स, वो गजब के हैं, बहुत ही विशालकाय बड़ी बड़ी। पीछे तो और भी
बड़े बड़े रॉक्स थे, बट वहाँ पे शूटिंग स्टोन वाला जोन था, वहाँ पे ऊपर से पत्थर गिर रहे थे छोटे छोटे बड़े बड़े, तो इसलिए मैं वहाँ पे स्टॉप नहीं लिया और फिर यहाँ पे आके थोड़ी सी सेफ जगह लगी। देखिए अब माउंटेन देखो यहाँ पे क्या, तो हर्सल से हार्डली 15 किलोमीटर और है और यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये वाला रीजन इतना ब्यूटीफुल अमेजिंग प्लेस है कि हम लोग जगह जगह रुक के थोड़े बहुत वीडियो थोड़े बहुत फ़ोटो लेने के चक्कर में रुक रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वैसे भी 3:50 हो गए हैं, तो हमारा जो इनिशियल टाइम था 4:30 का, तो हम लोग 4:30 तक पहुँच जाएँगे। 15 किलोमीटर है तो अधिक से अधिक 30-35 मिनट लगेंगे, तो इतनी देर में हम लोग पहुँच। फाइनली रीच हर्सिल और अभी हर्सिल में ये पीछे सुंदर गेस्ट हाउस है, वहाँ पे हमारी बुकिंग है बट कल से है। और हमारा प्लान था जैसे मैं पहले बताया था कि नूटिहरी में रुकने का, बट कोई पॉइंट ही नहीं था, तो फिर हम लोग हर्सिल आ गया। तो यहाँ पे मैंने ये रिवर के बिल्कुल पास ही एक ये रूम्स हैं यहाँ पे ले लिया और बहुत रीजनेबल रेट्स हैं, जस्ट 1500 रुपीज। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये जो है ना एप्पल ट्रीज हैं और इसमें क्या ज़बरदस्त ब्लूम आया चारों तरफ। ये मैं बोल रहा था कि हर जगह जो दिख रहे थे ना एप्पल ट्रीज, यही तो हर जगह ज़बरदस्त ब्लूम आया एप्पल ट्रीज का। और ये जस्ट सामने ही जहाँ पे हम लोग रुके ना, जस्ट सामने रिवर दिख रही होगी इस जो सोलर पैनल लगा ना इसके इस पोल के ठीक सामने रिवर दिख रही होगी। मैं इधर दिखला रहा हूँ ये रिवर, और पीछे एक पीक है जिस पर भी स्नो है, और इधर क्या ज़बरदस्त देवदार के ट्रीज हैं। और ये आगे रोड कहीं जाती है बट गंगोत्री की रोड उस वाले पहाड़ी पे दिखती है वहाँ से तो ये है एप्पल ट्री यहाँ पे। और अभी मैंने चाय और मैगी बोल रखी है, तो चाय और मैगी पीते हैं, मतलब मैगी खाते हैं और चाय पीते हैं। यहाँ पे कोई बर्ड बोल रही है, चुप चुप की आवाज़ आ रही है, नॉट एबल टू सी, शायद इन्हें कहीं पर होगी। और ये यहाँ पे इनका किचन है जहाँ पे कुछ बनाएंगे। तो आज हम लोगों ने बोला यहाँ का कुछ लोकल मशरूम होता है, तो मशरूम के लिए गुच्छी बोलते हैं शायद उसको, और लोकल पालक के लिए साग है, पता नहीं पालक है या क्या है। तो दो चीज़ें रात में, दाल यहाँ की लोकल दाल जो भी हो जैसे भी बनाए, और रोटी। तो हमारा डिनर होगा और